हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनालिस्ट स्टॉक्स वंस अगेन टुडे। देखिए, वैसे तो पूरे इंडेक्स के अंदर एक हैवी सेलिंग आपको आज देखने को मिली है। इसकी वजह से अगर थोड़ा बहुत भी किसी स्टॉक के अंदर एक बाइंग एक्शन देखने को मिल रहा था तो निफ्टी 50 का वो स्टॉक टॉप गेनर्स में शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा था ड्यूरिंग द इंट्राडे सेशन। इनफैक्ट एशियन पेंट्स की मैं इस वीडियो के अंदर बात कर रहा हूं जो आज क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस पर टॉप गेनर्स में शामिल रहा है निफ्टी 50 के। दो चीजें समझने वाली है कि अगर इसके चार्ट पैटर्न पर कोई साइन ऑफ पुलबैक है तब मैं यहां पर लॉन्ग साइड में ट्रेड लूंगा, पहला पॉइंट। लेकिन अगर ये एक इंपल्सिव रिएक्शन है तो डेफिनेटली मैं यहां पर अपनी पोजीशन को या तो एग्जिट करूंगा या फिर मैं नई पोजीशन बनाने से बचूंगा एंड वेट करूंगा यहां पर। तो सबसे पहली बात है कि देखिए, अभी रिसेंट में इस स्टॉक ने, अगर आप देखेंगे इस कैंडल के ऊपर, अभी 7 मार्च की एक कैंडल है, इसने जो लो लेवल्स दिखाए थे वो थे 2600 रुपए के एंड ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल्स को अप्रोच करता हुआ दिखाई दे रहा है। कल की कैंडल की बात करें तो एक हैमर कैंडल जैसी फॉर्मेशन दिखाई दी थी एक अच्छी खासी गिरावट के बाद में। फाइन, अब यहां पर आज इतनी अच्छी ग्रीन कैंडल क्यों बनी है? तो टेक्निकली पहला रीजन तो यह कि एक्सेसिव सेलिंग हो चुकी है, हैमर कैंडल की फॉर्मेशन बॉटम के पास है, यहां पर बॉटम है इसका, नियर टर्म का बॉटम है याद रखिएगा, जो 7 मार्च को इसने बनाया था। तो यहां पर एक हैमर कैंडल की फॉर्मेशन ऑलरेडी ये आपको बता रही है कि नियर टर्म में एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, बट ये बाउंस बैक सस्टेनेबल है क्या नहीं वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, एशियन पेंट्स या कोई भी ऑयल कंपनी के लिए क्रूड ऑयल के प्राइसेस का फ्लक्चुएशंस बहुत खतरनाक होता है क्योंकि क्रूड ऑयल इनके लिए एक्चुअली में एक इंग्रेडिएंट है, इनका एक रॉ मटेरियल है जो इनके तेल मैन्युफैक्चरिंग, जो इनके पेंट मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। एंड यहां पर सिचुएशंस क्या है कि पिछले 2 दिन से $124 वाला ऑयल गिरकर पहुंच गया $119 के ऊपर 2 दिन से। कल भी गिरावट थी और आज भी अच्छी खासी सिग्निफिकेंट गिरावट देखने को मिल रही है, बट ये जो गिरावट है हो सकता है टेम्परेरी हो एंड इसके बाद में वापस से क्रूड ऑयल बाउंस बैक लेता हुआ दिखाई दे। तो अगर ऐसी सिचुएशंस बनी, जिसके चांसेस है भी ज्यादा क्योंकि क्रूड ऑयल इतनी जल्दी नीचे नहीं आने वाला, देन उस कंडीशन में स्टॉक प्राइस के अंदर फर्दर गिरावट आ सकती है। तो इस लॉजिक को लगाना इस स्टॉक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर हम लोग ये चीज देख पा रहे हैं कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस इतने ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं, देन डेफिनेटली यहां पर कोई नई बाइंग पोजीशंस तो नहीं बनती है। ये हो गया पॉइंट नंबर 1 टेक्निकली जो हम देख रहे हैं। सेकेंड पॉइंट अगर हम लोग देखें तो आप देखिए टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से भी इस स्टॉक के अंदर एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बना हुआ है, लोअर लोस एंड लोअर हाई का फॉर्मेशन है जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि यह पैटर्न अगर फॉलो रहता है, बॉटम अगर ब्रेक होता है तो यही पैटर्न फॉलो होने वाला है। और 2600 रुपए डेडलाइन है, यानी कि 2600 पर आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। किसी भी कंडीशन में यह अगर ब्रीच होता है क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस पर, देन डेफिनेटली फिर आपको यहां से अपनी पोजिशन से एग्जिट कर देना चाहिए। यह चीज जरूर है कि देखिए पिछले 2 दिन में वॉल्यूम्स काफी ज्यादा रहे हैं और आज ग्रीन साइन के साथ में एक अच्छे खासे वॉल्यूम्स यहां से होते हुए जा रहे हैं, तो एक कॉन्ट्रा व्यू लिया जा सकता है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर ये स्टॉक थोड़ा बहुत अपमूव दिखा दे। लेकिन देखिए उसमें भी कोई बहुत बड़े टारगेट्स मुझे नहीं लगता देखने को मिलेंगे। आई थिंक ये 2800 रुपए तक के टारगेट्स ही मैक्सिमम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहां पर जो बाउंस बैक है वहां पर सेल करना चाहिए, मेरा ये मानना है जिस तरीके की पोजिशन अभी बनी हुई है। स्टॉक प्राइस ने 52 वीक हाई लेवल से जो तकरीबन 3600 के आसपास के हैं वहां से अगर आप देखेंगे तो 28% की गिरावट दिखाई थी 7 मार्च को जब इसके अंदर एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। इनफैक्ट उससे भी कई दिन पहले अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी रेड कैंडल्स की फॉर्मेशन थी। तो वहीं पर यह स्टॉक है, तो अभी भी आप ये कह सकते हैं कि 52 वीक हाई लेवल से ये 28% की गिरावट के साथ में नजर आ रहा है जो तकरीबन 1000 पॉइंट्स हो जाती है, यानी कि 1000 पॉइंट्स का फॉल इस स्टॉक के अंदर आ गया है एंड पैटर्न इज स्टिल नेगेटिव। ये बिल्कुल नेगेटिव पैटर्न है, ये मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों से। ये सपोर्ट की लाइन अगर ब्रेक हो गई देन फर्दर काफी नीचे तक के लेवल्स इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो डाउनसाइड में लेवल हम लोग तभी लेंगे जब ये 2600 की लाइन को, सपोर्ट लाइन को यहां पर ब्रेक करेगा डिसाइसिवली। अब यहां पर इसके आज का स्टैट्स देख लेते हैं क्या रहे हैं। देखिए 2707 तकरीबन यहीं पर क्लोजिंग होती हुई दिखाई दे रही है जो तकरीबन 0.75% के आसपास की तेजी दिखा रहा है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये डेटा है इसका,
सिक्योरिटी प्लस डिलीवरी पोजिशन में 35% कैरी ऑन हुई है एंड 52 वीक लो अभी जैसे हमने देखा 2600 रुपीज का है 7th of March का एंड 52 वीक हाई जो है वो 3590 रुपीज का जनवरी 2022 का। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये लेवल्स बहुत रहने वाले हैं। ये ब्रेक हुए देन आपको अपनी पोजीशन से एग्जिट कर देना चाहिए अगर आप एक शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं। तो रही बात इन्वेस्टिंग की, तो मैं समझता हूं कि देखिए इस स्टॉक में मुझे पर्टिकुलर ये लग रहा है कि फर्दर और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अगर और गिरावट होती है देन आपको मौका मिलेगा, अभी यहां पर एक्यूमुलेशन का टाइम नहीं है, तो इसलिए फिलहाल इसको अभी इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अवॉइड करना चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलूंगा बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।